हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल कुक विद हैप्पीनेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की एक खट्टी मीठी चटनी और साथ में तीखी हरी चटनी। इमली की इस चटनी की खास बात यह है कि इसके लिए हमने चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया और साथ ही अगर आप इसी तरीके से बना के रखेंगे चटनी तो 2 से 3 महीने तक आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और किसी भी चाट पकौड़ी के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। और साथ में जो तीखी चटनी मैं बनाने वाली हूँ हरे वाली, उसके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है मैंने, जिससे आपकी चटनी बड़ी करारी और लाजवाब बनने वाली है। मेरी ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए, उसके ऑप्शंस भी बताऊंगी मैं आपको, इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और जानिए कि ये चटनियाँ हम कैसे बनाएंगे। मीठी चटनी बनाने के लिए ये 200 ग्राम इमली ली है मैंने, आप कोई भी ले सकते हैं, गुठली वाली या बिना गुठली वाली। एक पैन में 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं। इसे गर्म होने के बाद इमली के साथ बॉईल करूँगी अच्छे से। ये इमली हमारी बॉईल हो रही है, इसका पल्प थोड़ा सॉफ्ट हो जाए क्योंकि हमें मिक्सी में इसे चर्न करना है और इसका एक पेस्ट बनाना है। 3 से 4 मिनट के बाद ही ये इमली मेरी बॉयल हो चुकी है अच्छे से, गैस ऑफ कर दिया मैंने। अब मैं मिक्सी में इसे चर्न कर रही हूँ। ये गाढ़ा पेस्ट मेरा बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें अभी काफी लंबे रेशे भी हैं और गुठलियां भी हो सकती हैं, इसलिए इसे छान लूंगी मैं। ये बड़े चम्मच की हेल्प से मैंने इमली को अच्छे से छान लिया है। ये लंबे रेशे हमारी इमली के और गुठलियां अलग हो चुकी हैं, देखिए आप, और हमें ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट मिल चुका है ये इमली का। अब एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ मैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप। इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, ये जीरा थोड़ा सा क्रैकल हो गया है मेरा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये इमली का पल्प, थोड़ा चला लूंगी मैं। अभी हल्का सा ही बॉयल आने लगा है इसमें, अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप तीखा नहीं खाना पसंद करते तो देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे हमारी चटनी का रंग भी बहुत अच्छा बनेगा और टेस्ट तो आएगा ही। अब इसमें 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ क्योंकि चटनी को हमें अच्छी तरह से पकाना है। इसमें जा रहा है 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच को चटनी में मिक्स कर दूंगी मैं। ये गुड़ ले लिया है मैंने, आज हम चटनी गुड़ से बनाने वाले हैं ये मीठी। इसके लिए 200 ग्राम हमारा इमली थी और 200 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। इसे चाकू की हेल्प से ऐसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप गुड़ भी ना लेना चाहें तो इसकी जगह पे 200 ग्राम शक्कर ले सकते हैं। गुड़ और शक्कर चीनी के कंपैरिजन में बहुत हेल्दी होते हैं, तो इसलिए आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ये चटनी हमारी अच्छे से बॉयल हो रही है, अब इसमें डाल दिया मैंने गुड़, और गुड़ डालकर मैं और अच्छे से पकाऊंगी इसे। हम जितना अच्छे से इसे पकाएंगे चटनी को, उतनी ही इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती जाएगी, फिर हम 2 से 3 महीने के लिए आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं। अब एक तरफ मैंने थोड़ा सा जीरा ड्राई रोस्ट कर लिया है तवे पर और इसे मिक्सी में चर्न कर लिया है। ये देखिए हमारा जीरा पाउडर तैयार हो चुका है, ताज़ा भुना हुआ जीरा पाउडर। ये 1 चम्मच मैं चटनी में डाल दूंगी ताकि चटनी का स्वाद और खुशबू और बढ़ जाए।
एक बॉयल और आने दूंगी मैं चटनी में। और अब हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आपको। ये ठंडा होने के बाद थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। अभी ये तीखी चटनी हमें गाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दोस्तों कई बार हमारे पास इतना धनिया नहीं होता और कई बार दही हमारा पतला होता है, इसलिए ये चटनी पतली बन जाती है। इसे थोड़ी गाढ़ी बनाने के लिए मैं अभी आपको चार ऑप्शंस बताती हूँ। उससे हमारी चटनी का स्वाद भी बहुत बढ़ जाएगा और इसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी। 2 चम्मच आलू भुजिया, या फिर इसकी जगह पकौड़ियाँ ली जा सकती हैं जिसे बूंदी भी कहते हैं, रायते वाली, मूँगफली भुनी हुई, या फिर कुरकुरे ले लें अगर हम, तो हमारी चटनी बहुत टेस्टी हो जाएगी और इसकी थिकनेस भी बहुत बढ़ जाएगी। आज मैं कुरकुरे से ही चटनी बनाने वाली हूँ, तो लगभग 2 चम्मच के करीब ये कुरकुरे सबसे पहले मैं ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, इसके साथ में जा रहा है धनिया जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, इसके मोटे डंठल मैंने अलग कर लिए हैं। 2 हरी मिर्च इस तरह से काट लिया है मैंने बीच में से, थोड़ा सा काला नमक। इसमें और किसी मसाले के डालने की ज़रूरत नहीं है, ना नींबू के रस की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कुरकुरे में सारी तरह के मसाले डले हुए हैं। और थोड़ा सा सिंपल नमक, थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी मैं। और अब इसमें 2 चम्मच गाढ़ा दही जा रहा है। फाइनली हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी की। ये मीठी चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें मगज यानी खरबूजे के बीज या तरबूज के बीज डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कुक विद हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई हेल्दी और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.